इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं बीएड की। तो इसमें आपको किस तरीके से क्या क्या करने पड़ेंगे, कैसे आपको जो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्या क्या अप्लाई करने के लिए, क्या क्या किस तरीके, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो देख मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान बीएड के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको क्या करने है, किस तरीके से करने हैं, क्या क्या करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मेक श्योर कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किस तरीके से क्या क्या करने पड़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो सर्च करनी है आपको यहाँ पर किसी भी ब्राउजर से, google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करके, यहाँ पर आपको फिर लास्ट में IAS पर टाइप करना है। IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान बीएड के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन मिल जाता है। सबसे पहले सर्च करनी है, सर्च करते हैं फर्स्ट वाले लिंक पर एक्जैक्टली क्लिक कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान अप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस। तो अप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड एडमिशन के लिए 2021 के यहाँ पर देख सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस बीएड कॉलेज अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान आर गोइंग टू एक्सेसिबिलिटी फॉर्म मेनी इंटरेस्टेड बच्चे यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं क्या ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है इस फुल फॉर्म को जो है अपना नाम पहले टाइप करना होता है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका ईमेल एड्रेस टाइप करना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट अपना सेलेक्ट करना होता है और सिटी सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस आपकी, फिर आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे, आप गेट फ्री काउंसलिंग पे जरूर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BU जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान, तो विल हैव रिलीज नोटिफिकेशन, आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन एडमिशन के लिए। 2 ईयर्स का बीएड का यहाँ पर कोर्सेस होते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी वहाँ से आपको अप्लाई करने होते हैं। चलिए बताता हूँ आपको कैसे क्या करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईलाइटेड कुछ सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हाईलाइटेड क्या बताएगी आपको, किस तरीके से क्या करने पड़ेंगे आपको, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलिए बताता हूँ आपको, तो ये देख सकते हैं फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर आपके, ठीक है। एग्ज़ाम टाइप्स यहाँ पर UG लेवल का होता है, एग्ज़ाम लेवल, स्टेट लेवल का होता है, कोर्स यहाँ पर आपको ऑफर किए गए, कंडक्टिंग बोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन मोड से होता है, एग्ज़ाम मोड यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ओके ऑफलाइन मोड से होगा, और ये आपको अवेलेबल कर दी जाएगी एग्ज़ाम डेट आपको, और यहाँ पर एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का ऑफिशियली आपके सामने वेबसाइट है, और ये हेल्पलाइन नंबर के लिए यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी आपको दे दी गई है, प्रोवाइड कर दी गई है, बिजीली कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताएंगे, सबसे पहले चेक कैसे करने, सबसे पहले तो आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा, इस गुड न्यूज़ सुन लीजिए, देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो एडमिशन स्टार्ट है। UPSC यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में, लवली प्रोफेशनल, SRMU, SSIU यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई वहाँ पर क्लिक करके और अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिसमें भी आपको एडमिशन लेने होते हैं, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी आपको एडमिशन लेने। चले सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, स्टार्ट फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर मई में होगा, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ पर सबमिशन का जून में है, देख सकते हैं आप खुद ही आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट डेट क्या भी है, फर्स्ट डेट का भी है, फिर आपको सबमिशन के लिए, फ़ीस के लिए, किस तरीके से कौन सी डेट को आपको जमा करना है, लास्ट डेट क्या है, तो उससे पहले आपको अप्लाई करने होते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू की गई है। यहाँ पर ऑफिशियली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक दैट द विल अवेलेबल ऑफ पेज, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्टली आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप अप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेंगे, उसके बाद आपका सारी चीज़ें, फिर अप्लीकेशन फॉर्म के फीस लगते हैं, तो फीस आपको सभी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग 300 रुपीज़ यहाँ पर आपको क्या करने पड़ते हैं, पेमेंट करने होते हैं, और ये मोड ऑफ पेमेंट देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, ई चैलेंज के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, ये आप देख सकते हैं, फ्रेश डिस और डेप्यूट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर, कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स लाएंगे जो भी बैचलर्स ऑफ डिग्री, 55% मार्क्स, मास्टर इन डिग्री साइंस ऑफ ह्यूमैनिटीज कॉमर्स, बैचलर्स ऑफ डिग्री, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ करनी पड़ती है, ये NB के लिए बताया गया, ठीक है, 50% से लेकर के 45 मार्क्स लाते तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर बताया गया 38 ईयर्स यहाँ पर नॉट एक्सिस्ट है, ठीक है, ठीक है, खुद ही देख सकते हैं। अपर एज लिमिट फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए
will not exist 38 years, or there shall be 5 years in favor of the DA category के लिए. आप 38 years नहीं रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा अप्लाई करने के लिए. फिर आप देख सकते हैं ना, और ज़्यादा चाहिए रहेगा उससे 48 या फिर 40 या वो. यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस देख सकते हैं आपके सामने किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस का क्या क्या करने पड़ेंगे. इंफॉर्मेशन ऑफ लिफ्ट लिफलेट यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब लिफलेट के थ्रू यहाँ पर आपको फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म की सारी चीज़ें बताई जाती है. तो किस तरह कैसे किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बताया गया है, कैंडिडेट्स और चॉइस ऑफ डिस्प्यूट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन आपके मेरिट बेस पे यहाँ पर सारी चीज़ें होती है. लैंग्वेज ऑफ सोशल साइंस के लिए यहाँ पर बताई गई है. अब ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ साइंस ग्रुप के लिए यहाँ पर सारी जो टॉपिक सब्जेक्ट, फिर ये फिजिक्स के लिए, फिर मैथ्स के लिए काफ़ी सिंपल है. फिर ये डॉक्यूमेंट्स जो है एट द टाइम ऑफ वेरीफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं. एडमिट कार्ड MP और SC के लिए मार्कशीट यहाँ पर बोथ द साइड ऑफ द ऑल पब्लिक एग्जामिनेशन पास्ट सर्टिफिकेट MPhil एंड PhD इफ़ एनी द एट द टाइम ऑफ टेकिंग अप क्लासेस टू द अप्रोवेशन ऑफ कॉलेज. डेप्यूटेड ऑफ कॉलेज यहाँ पर आप खुद ही चेक कर सकते हैं. नीडेड ऑफ ऑफिस नो ऑब्जेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट पे आपको रहने चाहिए. रिजर्वेशन से यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं सही यूसेज के लिए बारे में यहाँ पर बताया गया. टोटल फीस ऑफ सेल्फ फाइनेंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पर NM के हिसाब से यहाँ पर 50,100 रुपीज़ यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस का, 30,000 यहाँ पर डिपॉजिट 6 मंथ का, इंस्टॉलेशन का 1,00,000 यहाँ पर 2 ईयर्स का फीस का. ठीक है, कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए. और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में आने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.